महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण सदैव कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वही अर्जुन तथा युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, किंतु श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वो ये साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर अंगराज कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, किंतु उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां अवश्य मिलेंगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपने मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ियां लगी हैं, किंतु तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वही अंगराज कर्ण ने एक बार फिर अपनी दान वीरता का परिचय दिया। दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि सच्चा दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।